Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this session we are going to see composite materials. अलग अलग composite materials होते हैं, उनकी properties, उनके applications देखेंगे या फिर उनके drawbacks देखेंगे. कुछ composite materials जैसे के ceramic composite materials होते हैं या फिर ceramic composite matrix या फिर carbon-carbon composite materials, depend होता है वो कहाँ पे हमें यूज करने हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या है वो इस लेक्चर में हम देखेंगे. तो पहले देखते हैं कि कंपोजिट मटेरियल एक्चुअली होते क्या है. तो कंपोजिट का मतलब होता है इट इज ए मैट्रिक्स एंड फाइबर. ओके, तो ये कंपोजिशन है. एक उसमें मैट्रिक्स मटेरियल होता है और एक मटेरियल जो होता है फाइबर मटेरियल करके एक्ट होता है. तो ये भी हो सकता है कि बोथ मैट्रिक्स एंड फाइबर दे आर मेड अप ऑफ वन कंपोनेंट, जैसे कि कार्बन कार्बन कंपोजिट्स, उसमें मैट्रिक्स और फाइबर दोनों भी आपके कार्बन के होते हैं. तो ऐसे कुछ उसकी जानकारी इस लेक्चर में हम देखेंगे. तो पहले देखते हैं कि कंपोजिट मटेरियल एक्चुअली होते क्या है. तो कंपोजिट मटेरियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मटेरियल्स विथ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे आपने देखा होगा कि एलॉयज, जैसे एलॉयज होते हैं वैसे ही ये कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं. बट इसमें आप जो यूज करते हैं ये मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जिसमें हम उनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. तो ये कंपोजिशन हम क्यों करते हैं, व्हाई कंपोजिट मटेरियल्स, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को हम क्या कर रहे हैं, अल्टर्स कर रहे हैं. और इन प्रॉपर्टीज को अगर अल्टर करना है तो हमें उसको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई द कंपोजिट मटेरियल्स आर देयर. जब वो कंबाइन होते हैं तो वो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं या फिर एनहांस प्रॉपर्टीज दे शो. दैट्स व्हाई दिस कंपोजिट मटेरियल्स आर very important nowadays. They have different physical and chemical properties. जैसे कि example दिए यहाँ पे reinforced concrete है या फिर आपका plywood है, okay? Then ceramic matrix composite है या फिर आपका glass fiber matrix composites है या फिर carbon carbon composites है. These are the different examples of these composite materials. Why composite materials? Composite material क्यों बनाने हैं हम? सिंपल प्लास्टिक क्यों नहीं यूज कर सकते, सिंपल प्लाईवुड क्यों नहीं यूज कर सकते या फिर सिंपल कॉन्क्रीट क्यों नहीं यूज कर सकते. सो कंपोजिशन हमें करना है, एडिशन करना है, तो ये क्यों करना है, व्हाई कंपोजिट मटेरियल्स. द रीजन इज बिकॉज दे हैव लोअर वेट एंड हाई स्ट्रेंथ. उनका वेट कम होता है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है. दूसरा, दे आर करोजन रेजिस्टेंट एंड दे आर ड्यूरेबल इन नेचर. तो ये बहुत लॉन्ग लाइफ मटेरियल होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, उस मटेरियल की लाइफ इंक्रीज कर सकते. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द कंपोजिट मटेरियल्स. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज कंपोजिट मटेरियल. जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में दिखाए थे आपको कि दे आर ड्यूरेबल इन नेचर, दे आर हैविंग लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस. अलोंग विद दैट दे आर हैविंग हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो. जैसे मैंने कहा कि उनका वेट कम होता है और स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, दैट इज द रेशियो. देन दे आर करोजन एंड वेदर रेजिस्टेंस. देन दे हैव एनहांस्ड टफनेस एंड डैमेज टॉलरेंस, कंट्रोल्ड थर्मल एक्सपांशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी. देन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू अचीव कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम उसके बना सकते हैं. देन दे आर ड्यूरेबल इन नेचर. So these are the some advantages of these composite materials. Now we'll see what are some of the disadvantages. जैसे कि advantages है, कुछ disadvantages भी है. जैसे कि एक disadvantage की वो durable होते हैं, इसलिए उनका जो decomposition है वो possible नहीं होता. Along with that they are having high cost of raw materials that is used for making the composite materials. Then manufacturing time भी उनका बहुत ज़्यादा होता है. Then recycling is the again disadvantage for this material. Then anisotropic property, therefore analysis is difficult. Anisotropic property मतलब उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है. हम अगर मैट्रिक्स या फिर दूसरा जो कंपाउंड हम यूज करने वाले हैं वो दोनों की भी प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती है, इसलिए उनका एनालिसिस क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है. जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, सोलिबिलिटी है, ठीक है, उनका वेट है या फिर उनका दूसरे जो प्रॉपर्टीज है
वो प्रॉपर्टीज हम इजीली एनालाइज नहीं कर सकते, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस कंपोजिट मटेरियल। नाउ विल सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस कंपोजिट मटेरियल, दैट इज सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CMCs। तो ये जो है इसमें हम सिरेमिक मटेरियल यूज करने वाले, ओके। तो सिरेमिक में हम कुछ मैट्रिक्स मटेरियल एड करके उनका कंपोजिट्स बनाने वाले। सो व्हाट इज दिस सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, दैट वी विल सी। ये सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट ये एक सब ग्रुप है कंपोजिट या फिर सिरेमिक मटेरियल का। दिस सिरेमिक मटेरियल्स यू नो, सो कंपोजिट मटेरियल हम उसके बनाने वाले हैं, ओके। तो इट इज ए सब ग्रुप ऑफ द कंपोजिट एंड सिरेमिक मटेरियल्स। दे कंसिस्ट ऑफ सिरेमिक फाइबर्स एम्बेडेड इन सिरेमिक मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने कहा था, कंपोजिट इज नथिंग बट द फाइबर एंड मैट्रिक्स। इसमें भी क्या किया है हमने, सिरेमिक का ही फाइबर है और सिरेमिक का ही मैट्रिक्स मटेरियल। सो बोथ फाइबर एंड मैट्रिक्स मटेरियल दे आर कंसिस्ट ऑफ द सिरेमिक मटेरियल। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स क्यों बना रहे हैं, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सिंपल सिरेमिक मटेरियल, जैसे कि कन्वेंशनल सिरेमिक मटेरियल है, एल्यूमिना, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस कन्वेंशनल सिरेमिक मटेरियल। ये सिरेमिक मटेरियल जो है इनके जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फ्रैक्चर्स इजीली, ये इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं, या फिर दे फॉर्म स्क्रैचेस ऑन देयर सरफेस और दे मे गेट क्रैक इजीली, ये ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स डेवलप करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस विद दीज कन्वेंशनल सिरेमिक मटेरियल्स। टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस वी डेवलप CMCs। नाउ विल सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस CMCs। इट इज हैविंग हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, इट इज हैविंग हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, हाई हार्डनेस, हाई करोजन रेजिस्टेंस, लाइट इन वेट, नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन कंडक्टिव प्रॉपर्टीज, एंड ऑल्सो रीयूजेबिलिटी इज द मेन प्रॉपर्टी फॉर दिस सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स। नाउ विल सी एप्लीकेशंस ऑफ दिस CMCs। दे आर वाइडली यूज्ड इन द हीट शील्ड सिस्टम फॉर स्पेस व्हीकल्स, बिकॉज दीज मटेरियल्स आर हैविंग हाई थर्मल रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन हीट शील्ड्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन कंपोनेंट्स फॉर हाई टेम्परेचर गैस टर्बाइन्स, देन ब्रेक डिस्क, जैसे कि स्पीड व्हीकल्स है आपके, रेसिंग कार्स, रेसिंग बाइक या फिर एरोप्लेन के, इनके जो ब्रेक डिस्क होते हैं उन ब्रेक डिस्क में भी हम ये मटेरियल यूज करते हैं, या फिर स्लाइड बेयरिंग्स है, देन थ्रस्ट कंट्रोल फ्लैप्स है, जेट इंजन के जो फ्लैप्स होते हैं उस फ्लैप में भी हम ये मटेरियल यूज करते हैं, या फिर रिएक्टर्स है, देन मेकिंग नाइफ ऑल्सो। दीज मटेरियल्स बिकॉज ऑफ हार्डनेस, बिकॉज ऑफ हीट रेजिस्टेंस एंड बिकॉज ऑफ द क्रैक रेजिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि इजीली क्रैक नहीं होते हैं, इसलिए ये मटेरियल्स अलग अलग एप्लीकेशंस पे हम वाइडली यूज कर सकते हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपोजिट मटेरियल, दैट इज ए कार्बन कार्बन कंपोजिट, इज ऑल्सो कॉल्ड ए CCC, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन कंपोजिट जो होता है, इसमें भी क्या होता है, बोथ आपके जो फाइबर और मैट्रिक्स है ये दोनों भी मटेरियल कार्बन के होते हैं, दैट्स व्हाई दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज द कार्बन कार्बन कंपोजिट्स, एंड दे आर हैविंग रीइंफोर्सिंग फाइबर, फाइबर ऑफ कार्बन एंड मैट्रिक्स ऑफ कार्बन, ओके। बोथ दीज कार्बन आर इन्वॉल्व इन इट। देन इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट। थोड़ा सा इसका नाम थोड़ा बड़ा हो गया है ना, कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट, ओके। क्योंकि कार्बन फाइबर को हमने क्या किया है, कार्बन कंपोजिट में रीइंफोर्स किया, दैट इज द नेम। देन विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कार्बन कार्बन कंपोजिट्स। सो दीज आर हैविंग एक्सेलेंट थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, देन लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो डेंसिटी,
high strength, low coefficient of friction, high abrasion resistance and high electrical conductivity. So these are the some properties of these carbon-carbon composite material. Now we'll see some of the applications. As like your ceramic matrix composite CMCs, these materials are also used in the heat applications, like a brake of racing car, ya fir space shuttle nose tip, ya fir thrust control jo hota hai, ya fir rocket ke nozzles hote hai, isme bhi ye material hum use kar sakte. So these are the applications of these carbon-carbon composites. So in this way we have seen what are the composite materials, and we have gone through two examples, that is carbon matrix composites and carbon-carbon composites. Their applications and properties we have seen in this lecture. So with this, thank you all of you for such important and informative videos. Please subscribe to my channel Chemistry Learners and don't forget to press bell icon button. Thank you.